हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉन्ग क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष आर्य, आप सभी का हिंदी मीडियम किस नंबर वन चैनल सॉन्ग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरी प्यारी हुनहार छात्रों, आपने तो पूरा नरेशन का हर एक टॉपिक क्लियर कर डाला, यानी ग्रामर का एक शानदार समाप्ति हुआ एक टॉपिक का। आज हम आपकी एक नए, बिल्कुल नए टॉपिक सिंथेसिस के बारे में बात करेंगे। क्या होता है सिंथेसिस और कैसी बनाते हैं सिंथेसिस। तो मेरे प्यारे बच्चों, कर दीजिए सारे ग्रुपों में शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। तो स्टार्ट किया जाए आज की बेहतर क्लास। तैयार हो ना आप? सच बताना तो बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कौन कौन से छात्र आज के इस क्लास के लिए रेडी है। सिंथेसिस होता क्या है? बात यह हमारे मन में तब आती है जब हम इसको एक नए यूनिक रूप में लेते हैं। सिंथेसिस के बारे में बात होती है हमारी, तो मैं हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, सिंथेसिस होता क्या है? ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ अ सिंपल सेंटेंसेज आर मेड अ वन सिंपल सेंटेंस आर वन कंपाउंड सेंटेंस आर वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आर नोन एज सिंथेसिस। यदि दो या दो कौन है एक से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर, एक से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर अगर हम एक सिंपल सेंटेंस बना दें या एक कंपाउंड सेंटेंस बना दें या हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दें, यही आपका जो कार्य, इसे ही सिंथेसिस कहते हैं। सिंथेसिस का वैसे मतलब अगर देखा जाए इंग्लिश में, इसका जो मुख्य अर्थ होता है, फाइनल शॉर्ट है नहीं अभी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जो इसका मेन सेंस होता है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे तो हम इसका मेन सेंस जानते हैं कि इसका अर्थ मिश्रण होता है, मिलाना होता है, सिंथेसिस। लेकिन चूंकि इसमें हम वाक्य को मिला रहे हैं, तो मैं अपने तरीके से इसको आपको समझाने के लिए बस वो समझा दूं कि इसका मतलब आप ये समझिए कि वाक्य मिश्रण है ये, यानी वाक्यों को मिलाने की जो ये प्रक्रिया है, वाक्यों को मिलाकर सिंपल बनाने की, कॉम्पाउंड बनाने की और कॉम्प्लेक्स बनाने की जो ये प्रक्रिया है, उसे ही कहते हैं सिंथेसिस। अब बात आती है कि देखो, तीन टॉपिक एग्जाम में तीन में से दो देता है एक हमें, ठीक है, और लेकिन हर एक टॉपिक, क्योंकि एग्जाम में क्या आ जाएगा कोई नहीं जानता है, इसलिए हर एक टॉपिक का हर एक नियम और एक्सरसाइज हमें जानना जरूर, क्योंकि कहीं से भी कमी नहीं रखना है। हमें टॉपर लिस्ट में तभी आ सकते हैं, 95 प्लस तभी आ सकते हैं जब हर एक टॉपिक हमारे माइंड में हो, यानी एग्जाम में कुछ भी पूछ दे हम रेडी हैं। अब भैया तुम आओ, मैं सामना करूंगा और सामना करते हुए मैं जीत हासिल करूंगा, ऐसी बात आनी चाहिए। तो आप एक अच्छे विद्यार्थी हो तो हर एक टॉपिक को पढ़ोगे और अच्छे से सीखोगे बच्चा, है ना? हो ना मेरे अच्छे विद्यार्थी? अच्छे तो हो ही, बस वैसे ही फॉलो करना है। तो देखिए, जैसा मैंने कहा सिंथेसिस के बारे में मेरे प्यारे बच्चों, सिंथेसिस में होता क्या, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस होता है। इसमें तीन तरह के सेंटेंस बना का मिक्सअप होता है, सिंपल सेंटेंस को मिला के सिंपल बनाना पहला, दूसरा सिंपल सेंटेंस को मिला के कंपाउंड बनाना, तीसरा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स। तीसरा क्या होता है कि सिंपल सेंटेंस को मिला के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। तो आज हम सीखने जा रहे हैं सिंपल सेंटेंस के बारे में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा सिंपल सेंटेंस के बारे में मेरे प्यारे बच्चों। सिंपल सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं? तो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमें मेरे प्यारे बच्चों आपको 7 टॉपिक्स का सामना करना है। 7 टॉपिकें ऐसी हैं जो हमें पढ़ना है। पहला मेरे प्यारे बच्चों, पार्टिसिपल का प्रयोग करके, ठीक है, पार्टिसिपल का प्रयोग करके, ठीक है, प्रयोग करके, यूजिंग पार्टिसिपल, यानी सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम सिंपल बना सकते हैं, पहला रूल। दूसरा नियम हमारा है आपका इन्फिनिटिव टू, इन्फिनिटिव टू, इन्फिनिटिव टू के प्रयोग से, इन्फिनिटिव टू के प्रयोग से, इन्फिनिटिव टू के प्रयोग से बना सकते हैं। तीसरा नियम हमारा है
रूल नंबर थर्ड है हमारा, ठीक है, याद रखिएगा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा। अगला रूल है, ठीक है, चौथा जो है आपका, चौथे में बात करते हैं, एक हो गया पार्टिसिपल का प्रयोग करके, दूसरा हो गया हमारा इन्फिनिटिव टू के प्रयोग से, तीसरा हो गया नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा, ठीक है। चौथा जो हमें हम सिंपल बनाएंगे वो है, चौथा हमारा है केस इन अपोजिशन, केस इन अपोजिशन के द्वारा, जिसको हम फ्रेज इन अपोजिशन भी कह लें, केस इन अपोजिशन के द्वारा, ये हो गया हमारा। अगला टॉपिक जो है हमारा वो है एडजेक्टिव का प्रयोग करके, ठीक है, एडजेक्टिव का प्रयोग करके, अगला जो है हमारा, ठीक है, अगला जो है हमारा, ठीक है, एडवर्ब के द्वारा, एडवर्ब के द्वारा सिंपल बनाना। एट द लास्ट, जो लास्ट है हमारा, कितने माध्यम से हम सिंपल बनाते हैं, सबके अलग अलग नियम होंगे बच्चे, और हर एक नियम हमें समझना होगा। मैं बताता हूं, अगर एक वन बाय वन अगर रूल आप सीखते हैं तो 100% आप सबसे बेहतरीन काम करते हैं, ठीक है। अगला है जिरंड या नाउन के पूर्व, जिरंड या नाउन के पूर्व, के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, तो ये हो सकता है हमारा जिरंड या नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके। तो ये रहे 7 आपके टॉपिक, ठीक है, 7 टॉपिक्स आपके ये हैं, और इन 7 टॉपिक्स के माध्यम से आपको सिंपल बनाना है। अब हेडिंग डाल लीजिए, पहले लिख लीजिए, जल्दी जल्दी नोट करिए, फिर आगे नियम आपको आगे बताएं मेरे प्यारे होनहार छात्र छात्राओं, जल्दी करिए, नोट कर लीजिए बच्चा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम अब सीखने जा रहे हैं बच्चा, ठीक है, ये तो नोट हो गया होगा, इसे शॉर्ट ले सकते हो। अब हेडिंग हमारी होगी, अब जो हम आज पहले, सबसे पहले जो हम सिंपल बनाने की प्रक्रिया सीखेंगे, सबसे पहले सिंपल बनाने की प्रक्रिया हमारी होगी पार्टिसिपल के द्वारा, पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना, पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना, ठीक है बच्चा, सिंपल सेंटेंस बनाना पार्टिसिपल के माध्यम से, पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना। अब क्या होता है, अब आप सोचोगे अरे सर ये क्या आप बोल दिए, ये पार्टिसिपल होता क्या है, तो मैंने आपको बताया, आपको लास्ट लेसन याद होगा, एम हेमेल ने क्या कहा था, एम हेमेल ने, ठीक है, लिटिल फ्रेंच से किस पर प्रश्न पूछने को कहा था, पार्टिसिपल पे प्रश्न पूछने को कहा था, और फ्रेंच क्या कहता है कि मुझे तो पार्टिसिपल का एक अक्षर भी मालूम नहीं था, फिर भी मैं आज बता देने को तैयार हूं, ये बात फ्रेंच ने कहा था। तो आज चलो मैं भी तुम्हें बता देता हूं पार्टिसिपल होता क्या है, ठीक है, ताकि तुमको भी अगर एम हेमेल जैसे कहीं टीचर से सामना करना पड़े तो तुम भी, ठीक है, अब ये मत करना कि सर आप पढ़ा रहे हैं तो आप ही हमसे पूछ देंगे, अरे सामने होते तो फिर तो पूछ ही देते, उसमें क्या है, और पीटते हम भी वैसे ही, ठीक है।
तो पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना। पार्टिसिपल होता क्या है, सबसे पहले ये बात होती है। तो पार्टिसिपल है क्या, देखिए इन शॉर्ट समझिए इसको अपनी। अब तक आप जो एडजेक्टिव और एडवर्ब आपने सुना होगा, तो एक ऐसा वर्ड बच्चा जो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की तरफ वर्क करता है। एडजेक्टिव एक अलग चीज होती है और पार्ट और एडवर्ब अलग होता है, लेकिन एक ऐसा शब्द जो एडजेक्टिव का भी वर्क करे और एडवर्ब कभी कभी एडवर्ब भी बन जाए, ऐसे वर्ड को हम पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, द वर्ड विच मॉडिफाइज एडवर्ब एंड एडजेक्टिव बोथ इज नोन एज पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल आप जान गए कि पार्टिसिपल क्या है। पार्टिसिपल हुआ है जो एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की तरह कार्य करता है, उसे पार्टिसिपल कहते हैं। अब ये जानिएगा टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल भी तीन प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल की बात कर लें, पार्टिसिपल भी बबुआ तीन प्रकार का होता है। अब इसमें कौन कौन से पार्टिसिपल आते हैं, पहला हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। कौन सा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा हमारा है पास्ट पार्टिसिपल। कौन सा है, पास्ट पार्टिसिपल। और तीसरा है, अब आप कहोगे सर एक प्रेजेंट हो गया दूसरा पास्ट हो गया तो तीसरा फ्यूचर होगा, आप तो यही कहोगे, लेकिन नहीं, तीसरा आपका फ्यूचर पार्टिसिपल नहीं होगा, आपका तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, ओके, ध्यान दीजिएगा। तो ये तीन हो गए हमारे, ठीक है। अब इनके बाद यानी हमको इन तीनों नियमों से सिंपल बनाना सीखना है, नोट कर लीजिए। अब हेडिंग हम डालेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल से सिंपल सेंटेंस बनाना। आज ये तीनों आपके पार्टिसिपल वाला सारा नियम मैं क्लोज करूंगा, नोट करिए बच्चा, फटाफट नोट करिए। हो गया, चलो अब हेडिंग डाल लीजिए प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना। प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना, चलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना, सिंपल सेंटेंस बनाना, सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे हम, लिखेंगे हम, जानेंगे हम, ठीक है। पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा क्या होना चाहिए, इसकी कंडीशन सीख लीजिए। आपके इस रूल में हम आपको कंडीशन अप्लाई करवा देते हैं। रूल इसका समझिएगा मेरे प्यारे होनहार छात्रों, ठीक है, कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा जो है सिंपल सेंटेंस तभी बनाओगे जब आपका क्या होना चाहिए कि सेम सब्जेक्ट होना चाहिए आपका। सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है, सेम सब्जेक्ट हो आपका। पहली कंडीशन सेम सब्जेक्ट, नोट करिएगा, पहला कंडीशन हो रहा है सेम सब्जेक्ट होना चाहिए। दूसरा, ये हो गया
पहला कंडीशन क्या है बच्चा, सेम सब्जेक्ट की। दूसरा कंडीशन है हमारा, ठीक है, कैजुअल रिलेशन होना चाहिए दोनों के बीच, कैजुअल रिलेशन। अब कहोगे सर ये क्या चीज होता है, इसे कहते हैं कारण परिणाम संबंध, कारण परिणाम संबंध। यानी एक सेंटेंस का कारण दूसरे में दिया होगा, एक सेंटेंस के कारण ही दूसरा काम घटित होगा, ठीक है। तीसरा कंडीशन वर्क टुगेदर, काम साथ साथ होने चाहिए, काम क्या होना चाहिए, साथ साथ चाहिए, नहीं कि एक काम खत्म तब दूसरा, एक काम अभी खत्म होना हुआ तब तो दूसरा स्टार्ट हो जाए, ऐसी कंडीशन होती है। और इसमें तो जानिएगा तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनेगा, जब वो प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनेगा तो जो काम पहले खत्म होगा उसके मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है, जिसका हिंदी में अर्थ करने पर वह हुए या कर या करके आता है, ठीक है। ये हिंदी में अर्थ करने पे आएगा अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल से वो बनेगा, यानी जो काम पहले खत्म होगा उसी के मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, आप पहला सब्जेक्ट हट जाएगा, दूसरे सेंटेंस को बोले कॉमा कर देना है। ये नोट करिए, अभी आपके सामने एग्जांपल देते हैं, सेम सब्जेक्ट होना चाहिए हर सेंटेंस का, दोनों के बीच पहले सेंटेंस के कारण दूसरा काम होना चाहिए, अभी पहला खत्म ना हो तो दूसरा स्टार्ट हो जाना चाहिए, ओके। अब एग्जाम्पल आपके सामने प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए एग्जाम्पल आपके सामने रखते बच्चा, एकदम गलती होना नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल आपके सामने, आयशा और टाइगर, मैंने एक बाघ देखा, आयशा और टाइगर, मैंने एक बाघ देखा, आई रैन अवे और मैं भाग गया, मैं एक बाघ देखा और मैं क्या हुआ, भाग गया। तो याद रहे ये सेपरेट है, सेपरेट का मतलब होता है अलग अलग, मतलब कंबाइंड, हम सेपरेट लिख दिए हैं, कंबाइंड करना है, और एग्जाम में आपको ऐसे लिख देगा कि ये क्या बनाना है, सिंपल। अब हमारे मन में प्रश्न उठेंगे, अरे यार ये सिंपल बनाने को आया है, ये कैसे बनाया जाएगा, तो तुरंत याद करना पीयूष सर को, कहना अरे सर ने बताया था कि जब सिंपल बनाना हो और दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम हो तो बिल्कुल पहला कंडीशन, एक बार ये देख लेना क्या पहले काम के कारण दूसरा है, मैं एक बाघ देखा और मैं भाग गया, मैं क्यों भागा भैया, मैं क्यों भागा, बाघ को देखा, और क्या ये कमुआ साथ ही साथ हुआ, हाँ देखा भागा, ये थोड़े कि पूरा पहले देख लिया फिर भागा तो खा न जाएगा, तो एक तरफ अभी देखने का काम खत्म नहीं, हम पीछे मुड़ देखते जा रहे हैं तो काम साथ हो रहा है, तो और पहले काम के कारण दूसरा, तीनों कंडीशन ये क्लियर हमने कर लिया, सब्जेक्ट सेम है, कारण परिणाम है, दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं, एक पूरी तरह खत्म होने के बाद दूसरा स्टार्ट नहीं है, पहला खत्म होने ही वाला दूसरा स्टार्ट। अब इसमें क्या करेंगे, कौन सा हमने कहा किसमें आईएनजी लगाना है बच्चा, आईएनजी लगाने से ही प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है, हिंदी में अर्थ करने पे हुए, करके या कर आता है, देखने का काम पहले हुआ, इसका देखने का फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया, सी, यानी पहला सब्जेक्ट अगर मुख्य रहेगा तो यहां लगाओगे दोनों एक है, इसे यहां राम है और यहां ही है तो हम राम को यहां ले जाएंगे, लेकिन दोनों तो आई है तो एक आई हटा लो, तो हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाना है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सी लगा दीजिए, सींग, अब पूरा लिख जाइए सींग अ टाइगर, और दूसरे सेंटेंस के पहले कॉमा, आई रैन अवे, बन गया सिंपल सेंटेंस बच्चा, क्या अर्थ है, बाघ को देखकर मैं भाग गया, बाघ को देखकर मैं, ये दो वाक्य को जोड़ के एक वाक्य बना दिया, वो भी सिंपल बना दिया, सिंपल को जोड़ के सिंपल बना दिया, यानी आपने कह दिया कि जो काम पहले खत्म होगा उसके फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाएंगे। एक बहुत बहुत ज्यादा पूछने वाला सेंटेंस आता है, ठीक है,
सी हर्ड न्यूज, सी हर्ड न्यूज, वह समाचार सुनी हिज हस्बैंड हर हस्बैंड डाइड हर हस्बैंड डाइड सी फेंटेड ये हो गया हर हस्बैंड डाइड सी फेंटेड। अब ऐसा आ जाए तो क्या करेंगे, ठीक है। तो याद रहे हमें जब इसे कंबाइंड बनाना होगा, हम देख रहे सब्जेक्ट को कि तीन सेंटेंस सबके सब्जेक्ट कहां सेम है, तो ये हर किसके लिए, सी के लिए ही है, उसी का पति मरा है, ठीक है, और वो मूर्छित हो गई। तो आप जब जोड़ोगे तो यही ना कहोगे अपने पति के मरने का समाचार सुनकर, अपने पति के मरने का समाचार सुनकर, तो अपने पति के सुनकर पहले काम उसने सुना है, मूर्छित बाद में सुना, मूर्छित हुई, सुना मूर्छित हुई, काम तुरंत हुआ और दोनों काम साथ हुए, सुन रहे मूर्छित हो रही है, और यानी दूसरा वाला काम पहले के कारण हुआ है। तो यहां पर भी क्लियर है प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो हम लगा देंगे यहां पर कि हियरिंग द न्यूज, समाचार सुनकर आप हर हस्बैंड्स डेथ, आप हर हस्बैंड में पास्ट्रॉफी यस हस्बैंड डेथ, अपने पति के मरने का समाचार सुनकर कॉमा, अभी कॉमा करेंगे स्मॉल हो जाएगा, सी फेंटेड वह मूर्छित हो गई। अपने पति के मरने का समाचार सुनकर क्या हुआ, वह मूर्छित हो गई। यह है मेरे प्यारे बच्चों प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं अब पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो फटाफट नोट करिए मेरे प्यारे होनहार छात्रों, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, देर नहीं करना एकदम, ठीक है। और अगर ऐसे ही पढ़ाई चाहते हो कि हमें बोर्ड एग्जाम में ऐसी शानदार पढ़ाई मिले और आप भी इन बच्चों की तरह जो देख रहे हो 97, 96, 95 के परसेंटेज हैं, यानी भरमार हो गई इस बार, इतने टॉप पर्स निकले हैं सोहम क्लासेस से, पूछिए मत ये बच्चे कहां से निकले हैं। तो ये बच्चे ऐसी तैयारी करके निकले टॉप 100 बैच, सुहम क्लासेस के टॉप 100 बैच से। तो अगर आप भी चाहते हो 2024 में एक धमाकेदार तैयारी, और अगर चाहे आपको अच्छा कर दिखाने की और एक टॉपर बन जाने की, तो मेरे प्यारे होनहार छात्रों आपको मात्र 1499 रुपए में पूरे एक साल की पढ़ाई, सभी विषयों की, पूरे हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों जुड़ जाइए टॉप 100 बैच के साथ, जहां पर शुरू में आने वाले मात्र 100 छात्रों को ही यह मौका मिलेगा, क्योंकि अगर इसमें जुड़ गए तो दोबारा कोई भी बैच लॉन्च होगा उन बच्चों को अलग से पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। इस एक बार पेमेंट करिए, पढ़ते रहिए और टॉपर बन के निकलिए 2024 में। तो जहां इन बच्चों को डेली लाइव क्लास, प्रैक्टिस सेट, नोट्स, लास्ट ईयर पेपर के सॉल्यूशन के साथ संडे टेस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, वो हर चीज जो एक टॉपर को जाननी होती है, एक टॉपर को चाहिए ही होती है, वो देता है आपको शुभम क्लासेज। तो इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों जाइए प्ले स्टोर में डाउनलोड कर लीजिए शुभम क्लासेज एप्लीकेशन, या इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। हुई ना ये शानदार बात, हम जान गए अब आप एवं तैयारी कर लियो कि आज तो जुड़ के ही रहोगे। बिल्कुल जुड़ना बच्चे, अच्छी चीजों को छोड़ा नहीं जाता, क्योंकि समय अभी आपके पास अच्छा है और अच्छा बनके दिखाना है। तो आइए अब हेडिंग डालेंगे पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। पास्ट पार्टिसिपल, तो पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना,
सिंपल सेंटेंस बनाना, सिंपल सेंटेंस बनाना। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें याद रखिएगा, इसका रूल सीखिएगा। जब एक सेंटेंस के, जब एक सेंटेंस के, याद रखिएगा, जब एक सेंटेंस के किसी नाउन की विशेषता, किसी नाउन की विशेषता दूसरे सेंटेंस में वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में हो, वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में हो, रूप में हो, उसे पास्ट पार्टिसिपल कहते भी हैं और उसे बनाते भी उसी से हैं, उसे पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा बनाते हैं, उसे पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा बनाते हैं, के द्वारा बनाते हैं। ठीक है, देखिएगा, यानी अगर एक सेंटेंस के किसी नाउन की विशेषता दूसरे सेंटेंस में बताई जाए और वो भी वो विशेषता बताने वाला शब्द वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, तो वही वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। यानी जितने वर्ब के थर्ड फॉर्म होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उनको हम एक एडजेक्टिव के रूप में भी प्रयोग कर लेते हैं। जब कोई भी वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है, उसे ही पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। किसी भी आप ग्रामर की बुक देखोगे, जहां वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा उसके ऊपर लिखा रहता है पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि आप वर्ब के थर्ड फॉर्म को किसी भी नाउन के पहले लगाकर आप एडजेक्टिव बना सकते हो। ठीक है, जैसे में रूम को हम डेकोरेट, मतलब सजाना होता है, और हम कह सकते हैं डेकोरेटेड रूम, यानी सजा हुआ रूम, हुई ना एक शानदार बात। तो चलो एग्जांपल देख लेते हैं ऐसा, ठीक है, कब ऐसा होगा, तो देखिएगा एग्जाम्पल आपके सामने हम रख रहे हैं, मेरे होनहार छात्र छात्राओं, एग्जाम्पल आपके सामने आ चुका है। ठीक है, आई फाउंड अ पेन, हम सेपरेट लिख रहे हैं, यह है आपका सेपरेट, मतलब अलग अलग सेंटेंस, आई फाउंड अ पेन, आई फाउंड अ पेन, इट वॉज लॉस्ट, इट वॉज लॉस्ट, मैं एक कलम पाया और यह खोया हुआ था, मैं एक कलम पाया और यह खोया हुआ था, कौन खोया हुआ था, कलम। तो हम देख रहे हैं जो ये खोना है ये किसको बता रहा है, पेन को बता रहा है, और ये जो बताने वाला शब्द है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यानी लॉस का थर्ड फॉर्म है ये लॉस्ट। तो इसका मतलब जब वर्ब का थर्ड फॉर्म किसी सेंटेंस के नाउन को बताने लगे तो वही होता है पास्ट पार्टिसिपल। अब जब इसको हम सिंपल बनाएंगे मेरे प्यारे होनहार छात्रों, हम जब इसको कंबाइंड करने जाएंगे तो क्या करेंगे, जो ये पास्ट पार्टिसिपल है उस नाउन के ठीक पहले लिख देंगे जिसको वो बताता है, यानी लॉस्ट जो है पेन के ठीक पहले आ जाएगा। आई फाउंड अ लॉस्ट पेन, अब देखो सिंपल को मिला के एक सिंपल बनाना था, मैं कलम पाया और वो खोया हुआ था, और इसमें आपने क्या कह दिया कि मैं खोई हुई कलम पाया, देखिए ना बात तो वही हुई, तो दो बड़े वाक्य को मिला के एक वाक्य बन गया, ये हुआ सिंपल सेंटेंस। ठीक है, ये तो क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल की तरफ, नोट करिए, फटाफट नोट करिए, अब हम लिखेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके। ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके, परफेक्ट पार्टिसिपल का
प्रयोग करके सिंपल बनाना, दो तो आप जान गए, प्रैक्टिस जरूर करना है। आज मैं पार्टिसिपल खत्म रहा हूं। अगर आपके पास कोई भी ग्रामर की अगर बुक होगी तो जैसे ही सिंथेसिस का पहला अध्याय निकालेंगे पार्टिसिपल वाली एक्सरसाइज को सॉल्व करिएगा, दावे के साथ कह रहा हूं आप हल कर जाओगे, ठीक है। परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना, सिंपल सेंटेंस बनाना, ठीक है। देखिएगा अब यहां पर आते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होना चाहिए कंडीशन, इसकी सुनिएगा। पहला कंडीशन मेरे प्यारे बच्चों, इसकी भी कंडीशन पहला यही है कि सेम सब्जेक्ट, ये कंडीशन है कि हर एक सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। दूसरा नो कैजुअल रिलेशन, इसमें कैजुअल रिलेशन नहीं होगा, कारण परिणाम संबंध नहीं होगा, यानी एक काम पूरी तरह खत्म होगा तब दूसरा चालू होगा और पहले काम का दूसरे काम से कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है। और ये बनता कैसे है, ये बनता कैसे, जो काम पहले खत्म होगा उसके पहले हैविंग, जो काम होगा उस काम का थर्ड पर, यानी उस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा के ये परफेक्ट पार्टिसिपल बनाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने है, देखिएगा एग्जाम्पल, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल, ठीक है। सेपरेट लिख रहे हैं, आई रिच्ड होम, आई रिच्ड होम, मैं घर पहुंचा, आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया। तो जब हम अब इसको एग्जाम में हमें दे देगा कि सिंपल बनाओ तो हम एक बार देखेंगे, अरे दोनों का सब्जेक्ट तो एक है, दोनों का सब्जेक्ट क्या है, एक है, और ये पार्टिसिपल से बनेगा। थोड़ा सा वही सोचना, पार्टिसिपल से तो बनेगा लेकिन एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है और एक परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। अब हम यहां क्लियर करेंगे कि प्रेजेंट से बनाए कि परफेक्ट से बनाए। अगर पहले काम के कारण दूसरा अगर हुआ तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। तो अब यहां पे हो गया मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां पर आपका आई रिच्ड होम, आई वेंट टू मार्केट, तो अब इस पहले हम क्या करें, ठीक है, अब पहले हैविंग लगा देंगे, जो काम पहले वो पहुंचने का काम, मैं पहुंचा और मैं बाजार गया। अब पहुंचने के बाद मैं कुछ भी कर सकता था, जरूर थोड़ी बाजार जाऊंगा, तो परफेक्ट पार्टिसिपल। काम के पहले हैविंग, तो हैविंग रिच्ड, हैविंग रिच्ड होम, ठीक है, कॉमा, अब यानी इसका अर्थ होता है कि घर पहुंचने के बाद आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया। इस तरह से आपका सारा क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, आप जान गए कि कैसे पार्टिसिपल के द्वारा बनाया जाता है। तो ऐसी अगर अच्छी तैयारी और प्यारी तैयारी आप चाहते हैं 2024 में, तो आपको जुड़ना होगा शुभम क्लासेस के साथ टॉप 100 बैच में, जहां मात्र 1499 रुपए में पूरे एक साल की पढ़ाई, पूरे एक साल की पढ़ाई आपको दी जाती है। बोर्ड एग्जाम के आखिरी पेपर तक पढ़िए, जहां डेली लाइव क्लास, प्रैक्टिस सेट, नोट्स, लास्ट ईयर के पेपर सॉल्यूशन के साथ संडे टेस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, यही नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही टॉपर बनके आप रिकॉर्ड तो तोड़ोगे ही, इसलिए जल्द करो, प्ले स्टोर में जाओ, डाउनलोड कर लो शुभम क्लासेस एप्लीकेशन, या इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। तो मैं पीयूष आर्या कहूंगा आपसे, लगी है अगर शानदार क्लास तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड लक।